दीदी ने घर बदल लिया? अरे घर ही नहीं बदला, सारी दुनिया बदलती दीदी ने। दो ही दिन में उन्होंने शादी कर ली। अरे दीदी ने शादी कर ली और मुझे फोन तक नहीं किया। अच्छा ये बताओ दीदा, शादी किसकी की है? और मुद्दा दस साल है ना उनके लड़के से। याद आया, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो कैसे गया? चश्मा नहीं पर क्या हो गया? मैं अभी जाती हूँ दीदी से। नहीं 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 नहीं, दीदी के साथ नहीं चलना था, पहले हमारे साथ चले। घर आने की खुशी में हमने पार्टी रखी है।
बाबूलाल, अब बाबूलाल क्या? अरे तक छोटा तुमको तो मालूम है हवलदार, अपन 11 बजे सो गए, फिर 10 बजे क्यों चिल्ला रहे हो? आज कर दे, चलो आज तुम्हारा फैसला भी है। आज मेरा फैसला इतनी जल्दी? देखो हवलदार, अगर मैं छूट गया ना तो बेघर हो जाऊंगा। तो क्या यह घर तुम्हारा है? नहीं है तो सरकारी, लेकिन क्या खाने पीने का आराम? ओ कुछ नहीं, चला दे। बाबूलाल श्यामलाल चूड़ी वाला हाजिर हो। बोलो, भगवान को हाजिर ना हाजिर जानकर जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा। भगवान को हाजिर ना हाजिर जानकर जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा। तुम्हारा नाम? बाबूलाल श्यामलाल चूड़ी वाला बीए। उम्र? उम्र 34 साल। धंधा? चूड़ी पहनाने का। क्या मुजरिम बीए होकर चूड़ियों की फेरी का धंधा करता है? सच तो यह हुजूर के चूड़ी पहनाने का ये जो धंधा है अपना खानदानी पैसा है। माँ बाप की ये दिली हसरत थी कि लड़की को खूब पढ़ाया लिखाया जाए ताकि गुस्ताखी माँ को आंख की जैसी कोई कुर्सी मिले, लेकिन तकदीर का कुछ ऐसा चक्कर चला हुजूर कि कुर्सी तो नहीं मिली, कटरा मिल गया। मुल्जिम बाबूलाल पर जो शांताबाई नामी युवा को भगाने जाने का इल्जाम लगाया गया था, पुलिस को पूरी जांच के बाद ये मालूम हुआ है कि मुल्जिम बिल्कुल बेकसूर है। ठीक है, मैं बाबूलाल को बाइज्जत रहा करने का हुक्म देता। थैंक यू। अब कैसे कहा जाएगी? अरे रामभल, ओ रामभल, अरे देख भाई फोन बंद कर रहा है यहाँ पर, तो मैं भी तुम करता हूँ। कौन तंग कर रहा है? यहाँ बात करने किसी को फुर्सत नहीं है। सुनो रामधन। कौन हुजूर? मालिक। जरा बहुरानी को जल्द बुला लो। लेकिन हुजूर आप ही घर पधारिए ना। रामधन, रामधन, रामधन। रंजना, ओ रंजना, ये कल सुन लो कितना। जल्दी कहिए और पीछा छोड़िए। कम ऑन, हरी अप, हरी अप। हेलो, कौन? सुरेश। क्या बात है सुरेश, आज कोई फोन जल्दी नहीं उठाता? कौन? पिताजी। माफ कीजिएगा पिताजी, सुबह से इतने टेलीफोन आ चुके हैं कि आपने बिल्कुल पढ़ ही नहीं सका पिताजी। लेकिन तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गए? जी पिताजी, गया तो था लेकिन आज कॉलेज बंद हो गया। कॉलेज बंद है? क्यों, क्या बात है, आज कॉलेज क्यों बंद है? जी पिताजी, वो हमारे प्रिंसिपल साहब है ना, उनकी नानी मर गई और मरते ही दम निकल गया बेचारी का। हाँ पिताजी, बहुत अच्छी औरत थी। हाँ सुरेश, सुरेश, रंजना। सुना बेटा, आज मैं अदालत के काम से जल्द फारिग हो गया हूँ, इसलिए तुम इस वक्त वो तमाम जेवरात लेकर चली आओ जो तुम्हें पसंद नहीं है, हम दोनों साथ जाकर के उसे बदलवा लें। पिताजी देखिए, पिताजी मैं आपका हुक्म कभी नहीं टालती, लेकिन आज वो अपना रसोई बीमार पड़ा है, इसलिए मुझे उनके लिए दोपहर का चार नाश्ता कॉलेज भेजना है। हाँ पिताजी, लेकिन वो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा ये बात है पिताजी, मुझे 4 बजे आते हैं कॉलेज से। ये तुम्हें क्या गजब कर रखा है? मैंने कुछ और कहा था, तू कुछ और कह रही है। मुझे क्या मालूम था तुम्हें क्या कह रखा है। तो पिताजी से ये क्यों कहा कि आपने कॉलेज जाना था? इसलिए कि वो मुझे कॉलेज में बुला रहे थे। लेकिन मैंने तो कहा था कि आप प्रिंसिपल की नानी मर गई और इसलिए कॉलेज बंद है और आज मैं घर में बैठा हूँ। अब
क्या होगा? पिताजी का सोचे नहीं, सोचना क्या है, अगर वो जब आ गई सब समझ गए होंगे। ये सत्तों की जोड़ी एक पल घर के लिए विदा नहीं रहना था। रंजना, मैं तुझसे बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मानोगी? बोलो जान से। आज शादी के 2 दिन हो गए, लेकिन तेरे प्यारे मुखड़े से एक बार भी मैंने अपना नाम नहीं सुना। क्या तुम्हें सुरेश नाम पसंद नहीं? नहीं तो? जब कहो तो नाम बदल दो। नाम बदलने से समय तो नहीं बदलता। हिंदुस्तानी औरत शादी के बाद पति का नाम लेकर कभी नहीं पुकारती। देखिए, ये तो हिंदुस्तानी औरत के प्यार की एक अनोखी अदा है। तो तुम नाम लेकर नहीं पुकारेंगे? मेरा दिल खुश करने के लिए तो नहीं? रंजना, तू मुझे तंग करना चाहती है ना? अच्छा छोटे सरकार, माली ने दिया है। कहीं मेरी बदनसीब बहन हमसा की, मैं से रोज फूलों की माला चढ़ाता हूँ। तो क्या मर गई बेचारी? मर जाती तो सब रह जाता। क्या हुआ उसे? उसे कोई बदमाश उठा ले गया। तो क्या अभी तक उसका पता नहीं चला? बहुत कोशिश करने पर इतना ही पता चला कि उसे कोई डांस पार्टी उठा ले गई। भगवान जाने इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। चाहे मुझे जान से मार डालो, लेकिन मैं किसी के अनाज में जाने के लिए नहीं जाऊंगी। तो तू जिंदा भी नहीं रहेगी। तू नहीं जानती तुझे इस काबिल बनाने के लिए हमें क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी। तुझे लहरा सिंह के हाँ मुद्रे पर जाना ही पड़ेगा। लहरा सिंह हो या लखा सिंह हो, मैं किसी के अनाज में नहीं जाऊंगी। मेरी बात को ले जाओ, तो नहीं जाएगी। कैसे नहीं जी, मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाती है। जाएगी कि नहीं जाएगी? लातों के भूत बातों को नहीं मानते, मर जाए। ले ले चूड़ियां, ले लो चूड़िया मनाया मेरा ली रंग कार। ले लो चूड़िया, ले लो चूड़िया मनाया मेरा ली रंग कार। ले लो चूड़िया नील नील काली काली पील पील गोरी गोरी बाहों का सिंगार। ले लो चूड़िया, ले लो चूड़िया मनाया मेरा ली रंग कार। ले लो चूड़िया चूड़ी चूड़ी वाला दिया ना नंद या पोती जी हो या खाला। दिया ना नंद या पोती जी हो या खाला, सबकी पसंद लेके आया चूड़ी वाला। हाथ पीछे बा दिल की ठंडक नैनो का कुमार। हाथ पीछे बा दिल की ठंडक नैनो का कुमार। ले लो चूड़ियाँ, ले लो चूड़ियाँ मैं लाया मेरा ली रंगदार। ले लो चूड़ियाँ चूड़ी चूड़ी वाला। कोई हो कवारी या कोई पिया की हो प्यारी। कोई हो कवारी या कोई पिया की हो प्यारी, जिसने भी पहनी मेरी चूड़ी न उतारी। कोट पतंगा करे न बंगा अजमा लो एक बार। हाँ कोट पतंगा करे न बंगा अजमा लो एक बार। ले लो चूड़ियाँ, ले लो चूड़ियाँ मैं लाया मेरा ले रंगदार। ले लो चूड़ियाँ चूड़ी चूड़ी वाला। Thank you.
शौक है अमीर का गरीब का ये गहना, शौक है अमीर का गरीब का ये गहना। बोलो दोनों सच है या झूठ मेरा कहना, कैश नहीं तो कल दे देना दे दूंगा उधार, आज नहीं तो कल दे देना दे दूंगा उधार। ले लो चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ मैं लाया मेरा ली रंगदार, ले लो चूड़ियाँ मिनी मिनी काली काली पीनी पीनी गोरी गोरी बाहों का सिंगार, ले लो चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ मैं लाया मेरा ली रंगदार, ले लो चूड़ियाँ। जो चूड़ी हाथ में आ जाए वो एक आना जोड़ी टूट फूट त्रिपन में समझ ये पहना ओके। मेरी सूरत क्या देख रही है? आपकी सूरत नहीं, मैं अपनी सूरत देख रहा था लेकिन आपकी सूरत का सुन रहा क्या मतलब? मतलब वो बहुत सी बातें सिर्फ कह देने की होती हैं, मतलब समझ जाने का होता है, समझाने का नहीं। समझ गई ना? खास भी नहीं समझी। अच्छा कितने पैसे? पैसे एक एग्रीमेंट करते हैं इस टाइप का। हाँ वो ये कि मैं तुम्हें साल भर तक नई नई चूड़ियाँ पहनाता रहूंगा, तुम इकट्ठा एक दिन सब दे डालना। अच्छा चूड़ी वाले ऐसा करो, हर आठ दिन के बाद आकर तुम मुझे नई नई चूड़ियाँ पहना जाना। आठ दिन के बाद आकर? क्यों? मेरा तो जी चाहता है कि हर आठ मिनट के बाद तुमको चूड़ियाँ पहना कर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हंसा। हंसा 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 ये कौन गधा है? ये बहुत खतरनाक आदमी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम मुझे जरूर मिलना। ओके बाय बाय। क्या बातें कर रहे चूड़ी वाले? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, मैं कहता हूँ खबरदार के बगैर मेरी जाति घर से बाहर कदम रखना। तो लेकिन आप लोग मुझे इस तरह कब तक कैद रखेंगे? घर नहीं आती, माँ बाप के घर को कैसा लगे थी? माँ बाप? किसके माँ बाप? तुम लोग मेरे माँ बाप नहीं हो। जबान चलाती है दृष्टि की। अजीब तुम आदमी हो या जानवर, जब देखो बेचारी बच्ची पर हाथ उठा के रहते हो। मैं कहता हूँ गुलाब सुपरा वाला तेरा गला घोट दूंगा। क्या कहा? मेरा गला घोट दोगे? औरत पे हाथ उठा तो शर्म नहीं आती? मूछे मुड़ा लो और चूड़ियाँ पहन लो, फ्री दे दूंगा फ्री। हर नाथ की है एक, क्या साइज है आपके हाथ का? हाथ तो तुझे बाद में दिखाता हूँ, जूते का नंबर 9 है। निकालो निकल यहाँ से, वरना चूड़ियों के साथ सर भी तोड़ दूंगा तेरा। अबे जा, बहुत देखे तेरी तरह सर तोड़ने वाले। चूड़ियाँ पहनाता हूँ पहनता नहीं हूँ समझे? चुप करता नहीं ढेर कर दूं तुझे। क्या बच्चे तो निकलता? अबे बचपने में हम खेला करते थे इसे। हाथ उठाता है नाले। मैं ये पूछती हूँ तुम्हें हम मियां बीवी के झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? आप लोग मियां बीवी नहीं तो और क्या? तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आप लोगों को रोका, आप लोग वापस शुरू हो जाएंगे। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा? मालूम होता है बेटी बाप से ज्यादा समझदार है। गर्मी खाने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा है। कहता हूँ निकल जाओ दोबारा। मैं खुद निकल रहा हूँ, दोबारा घर में रखना। ओके ओके मेरी पैसे पान दे दीजिए। अरे भाई
और मैं भी कहते हो और ऊपर से पैसे भी देते हो, ये नहीं होते तुमने। लो तुम पान खाओ और मौज करो। बांगड़ी बंगड़ी बाबूला मियाँ जी, रात को चौपाटी पे सोने के लिए क्यों मिला? अरे भाई मैं आता कैसे, मैं तो रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा, वहाँ कैसे पहुँचता तेरे पास? क्यों रात को ज्यादा शराब पी गए थे क्या? अरे कौन ससुराल शराब पीता है यार, कल मैं बिल्कुल कड़का था, भूख के मारे रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा। तो आपने खाना किस खुशी में नहीं खाया? अरे भाई कल जितने आए ना ससुरे पान खाने वाले, मियाँ जी कहते रहे और मैं मुफ्त पान खिलाता और मैं सुखड़ा करता रहा अपना डाउन डाउन। इसका मतलब ये है कि इस तरह लोग आते रहेंगे, मियाँ जी कहते रहेंगे तुम फिर भी पान खिलाते रहो, फिर खाओगे क्या? मुझे चौपाटी पर नहीं सोना पड़ेगा। देखो बाबूलाल, चाहे तुम लाइफ भर अकेले चौपाटी पर सोते रहो, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मेरे खानदान के मामले में मुझे ना टोकना। मुझे जो मियाँ जी कहेगा मैं उसे मुफ्त पान खिलाऊंगा, तुम्हारी जान की कसम। बस बस आगे की बात। अच्छी बात है, लाल पान अपने को क्या है? लाल पान, तुझे मैंने कितनी दफा कहा कि तू मुझे लाल पान ना कहा कर। देख बाबूलाल, अगर तुमने मुझे लाल पान कहा ना तो तेरी मेरी बरसों की दोस्ती बस फिनिश हो जाएगी। अच्छी बात है, अब नहीं कहूंगा लाल पान जी। बस मियाँ जी सत्य हो जाओ, बस तूने तो आज मियाँ जी ऐसे कहा जैसे मुझे छुनने की माँ कहा करती थी। तेरी जान की कसम, ये छुनने की माँ कौन है? अरे बस चुप कर जा, मेरी घर वाली छुनने की माँ। तो आज पान छुनने की अम्मा की हाथ का गिरा भी खाते हैं। तुम मुझे ही समझ में, अच्छी मुझे ही समझ में, मेरी स्वेटी छुनने और तेरे छक्के हो जाऊँ, तेरे कुमान हो जाऊँ। वो तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ कि शादी करनी कितनी जल्दी क्या थी, मेरे आने का इंतजार तक नहीं किया। जाओ मैं तुमसे झगड़ा करूंगी। अच्छा अच्छा झगड़ा फिर करना, पहले जरा इनसे मिलो, ये मेरे पति थे। नमस्ते। दीदी जीजा जी से तुम मिलवाओ, उनसे भी मिलवाती हूँ। अच्छा शोभा तुम्हारा सामान कहाँ है? वो मेरी सहेली रीजा है ना, मैं उसके यहाँ ठहरी हुई हूँ। देखो भाई ये हमारा अपमान है, इस घर के होते हुए तुम रीटा क्यों नहीं ठहरे? दीदी रीटा के फादर मदर गांव गए हुए हैं, वो अकेली रहती हुई बहती है, इसलिए मैं वहाँ ठहर गई हूँ। और दीदी रीटा ने मुझे बहुत अच्छी सर्विस दिलाने का वादा किया है। अब सर्विस वर्विस का ख्याल छोड़ दो, तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार था। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी शादी जल्द से जल्द कर दूँ। शादी? देखो दीदी मैं उड़ते हुए पंछी की तरह आजाद रहना चाहती हूँ, शादी करके घर में कैद हो जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक मैरिज, मैं तो शादी बिल्कुल नहीं करूंगी दीदी। बेटे ये इस तरह नहीं मानेगी, आईने की जबान नहीं होती मगर वो बोलता जरूर है। जब ये तुम्हारा खुशहाल जीवन देख लेंगी तो खुद ब खुद अपना विचार बदल देगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताजी। आ शोभा मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। जी जा जी जी हाँ हाँ आओ तो सही। देखो शोभा ये मेरा कमरा है, बहुत अच्छा सजाया है दीदी, बहुत अच्छा। रंजना रंजू देखो तुम्हारे जीजा जी, ओ उनकी बुला रहे हैं, मैं अभी आई। अच्छा दीदी मुझे भी इजाजत दीजिए, रीटा के फादर मदर आ जाने के बाद मैं खुद यहाँ आ जाऊंगी। जरूर आओगी जैसे मच दादा। जय राम जी की। क्या चूड़े वाले आप मुझे भी चूड़े पहनाने आए हो? भैया तुम्हारी साइज की चूड़ियों के लिए तो स्पेशल कारखाना खोलना पड़ेगा। अच्छा खैर सुनो, मैंने सुना है कि इधर कोई खोली बोली खा ली। खोली बोली तो खाली नहीं, लेकिन हाँ एक घोड़ा बांधने के लिए अस्तबल जरूर खाई। अस्तबल तो खा दी होगी, तो फिर तुम मुझे घोड़ा ही समझ लो। ये लो पैसे और रसीद काट दो, अस्तबल में बांध दो मुझे। सुनो एक बात,
कि आपके साथ आपकी घरवाली है या फकरगेदारी? घरवाली की क्या बात करते हो भैया, एक तो दो दो है, एक तो बच्चे के लिए माँ बाप के घर गई है और दूसरी मेरी सेवा के लिए इधर मौजूद है। फिर देखो ना, कुछ भी हो लेकिन आपके साथ आपकी घरवाली को देखूं तो कमरा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल दुनिया बड़ी 420 हो गई है। अरे झूठ बोल कर कमरा ले लेते और फिर भैया, लेकिन हमारा खानदान तो सच बोलने में हिंदुस्तान से क्या, अमरीका, जापान, पूरी दुनिया में मशहूर है। कुछ भी हो लेकिन आपकी घरवाली तो आपके साथ देखनी चाहिए वरना कमरा बमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके भैया मालूम होता है तुमने औरत कभी देखी? नहीं देखी तो नहीं, लेकिन हाँ देखो भाई। अच्छी बात है, तो फिर मैं अपनी घरवाली को लेकर आता हूँ, लेकिन तुम बहन को बना देना। जयराम जी, जयराम जी की माँ। अरे भैया, जब से दे दीजिए पैसे और पान दे दीजिए मियाँ जी। अरे मुन्ना, मियाँ जी कैसे पैसे देते हो? अरे भाई, हम खानदानी मियाँ जी हैं, तो आलतू फालतू मियाँ जी नहीं। और हाँ सुनो, जो भी तुम्हारे दोस्त साहबान मिली है उन्हें भी इधर ले आना, बस वो मियाँ जी कहते रहे, हम लोग पान खाते रहे। क्या सब तो पान लोग खिलाएंगे आप? अरे भाई, हम तो सिर्फ पान खिलाते हैं, हमारे जो अब्बा जान थे ना, समझ गए, हमारे वालिद साहब, वो तो मियाँ जी कहने वालों पर जायदाद कुर्बान कर देते थे, लौटा देते थे, समझ गए? मियाँ जी दुकान पर बाबूला, मियाँ जी तेरे कुर्बान हो जाऊँ, तेरे मुंह से मियाँ जी बस ऐसे टपकता है जैसे बस थोड़ी फूलों की घड़ी लग जाती है। मियाँ जी आज बहुत मूड में हो, मियाँ जी तेरे कुर्बान हो जाऊँ, तेरी जान की कसम, आज जो आता है बस मियाँ जी कैसे पुकारता है, और मैं सुसर में दही हुए चला जाता हूँ। अच्छा, न पढ़ हो न पैसे, सब छुपड़ा था। अच्छा, और हाँ ये कपड़े कैसे? ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? तुमने मुझे आखिर क्या समझ रखा? मियाँ जी सबके हो जाओ, कुर्बान हो जाओ तेरे, अब तुमने मियाँ जी कैसे मुझे दाऊ कर दिया, हुक्म कर। बस बात ये है मियाँ जी कि खोली की जरूरत है। अच्छा। और भैया कहता है कि जब तक घरवाली नहीं होगी खोली नहीं मिलेगी। घरवाली क्या करें? घरवाली बस ये सामान लूंगा, ये गले का हार, ये घगरा, ये चोरी और आपकी मीठी बोली। मगर मैं कैसे? अरे मैं तेरे हुक्म का बदला हूँ, अरे मैं तेरी बीवी जान तो क्या, तेरी अम्मा जान भी बदला को ठीक है। पहले के साथ मेरा अब्बा भी खुशी बहन जयराम जी की। भैया जयराम जी की, ये रही तुम्हारी बहन। बहन आप दूसरों की तरह 420 मालूम नहीं होते हैं, जेंटलमैन हो। पर्दा क्यों कर? अब बात ये है भैया कि नई नई शादी हुई है, पुरानी तो माँ बाप के घर है ना। क्या आइए लो पैसे और रसीद काट दो। लेकिन हाँ, ये पैसे तो मालिक को मिलेंगे, मुझे क्या मिलेगा? क्या मतलब? मतलब ये कहना किसी को पगड़ी पगड़ी पगड़ी, मगर तुम तो टोपी पहनते हो ना, पहनने की बात नहीं है। बाबा बाबा पगड़ी का नाम मतलब है, वरना तुम्हारे साथ में भी अंदर हो जाऊंगा। नहीं लेकिन कुछ मिठाई विठाई मुँह तो मीठा करो। ऐसी बात करो ना, मैं मिठाई अब भी लेकर आया। मिठाई शांति निकेतन, ये तुम्हारे भाई की तरह है, घबराना नहीं शर्माना भी नहीं, मैं अब भी आया। अच्छा भैया जरा ध्यान रखना। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? क्या पियोगी? दूध, लस्सी? हाँ मैं तो कुछ भी नहीं पीऊंगी जी, बस आपकी तो बातों ने मेरे दिल की प्यास बुझा दी। कहिए, हमें कमरा तो दे देंगे ना? अरे कमरा क्या घूमट वाली, तेरे लिए मेरी जान की हड्डी है। कितनी प्यारी बातें करते हो जी, क्या नाम है तुम्हारा? रामधन। तुम्हारा नाम क्या है? बस कुछ अपनी पसंद का रख लो ना। मैं रख लू जी? तो मैं मनमोहनी कह के पुकारूंगा, चलेगा? क्यों नहीं, भला तुम्हारी पसंद का नाम मुझे पसंद ना आए, बस आपने तो एक ही पल में मेरा मन छीन लिया। भगवान करे मेरा मुआ खत्म, वो मिठाई लेके यहाँ वापस
घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल, देखो जी अगर कहीं मेरा मुआ खत्म मिठाई लेकर यहाँ आ गया ना तो तुम्हारे सर पर बाजे और तबले बजाने लगेगा। अरे तबले क्या बजाने लगेगा, मेरे पास जिंदा सर सर फाड़ दूंगा, सर फाड़ दूंगा। ये सब क्या हो रहा है, मैंने रोड बोलता है नहीं, मैंने तेरी सब बातें सुनी, सूखा माफ नहीं करूंगा। बगैर पैसे के रसीद का हाँ जल्दी जल्दी शाबाश। चलो चलो चलो, लेकिन सुनो किसी को कहना मत, तुम भी किसी से कहना मत कि बगैर पैसे के रसीद काटी। चलो 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 नाथ। अच्छा जगह नाथ पहले आना, मैं तुम्हारा जाओ जाओ खुली खुली है बंद नहीं खुली है बंद है खुली है सुना है कि तुम्हें शेर व शायरी का बहुत शौक है। नहीं तो एक सुना दे। नहीं मुझे कुछ नहीं, प्लीज एक। अच्छा सुना प्लीज। एक छोटा सा फलक साथ एक छोटी सी जमीन, जिसमें इंसान हो चांद सितारे हो मकीन, और फकत तेरी मोहब्बत के सिवा कुछ भी ना हो, ऐसी छोटी सी दुनिया मुझे मिल जाएगी। बहुत अच्छे रंजना, बहुत अच्छा। दूसरा एक सुना दे। अब आप सुनो। नहीं नहीं और एक प्लीज। मैं आप सुनूंगी। मुझे भी सुनाना पड़ेगा। अच्छा सुनो। मेरे साथ साथ रहकर मेरी मानता नहीं है, ये दिल तुम्हें मुबारक मेरे काम का नहीं। अब तुम सुना दो। बस एक ही जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, तो हंसके कहने लगे तुम्हें आता है क्या है। का नहीं ओके। रंजना मैं आज एक पार्टी पे जा रहा हूँ, थोड़ा देर से लौटूंगा। पार्टी तुम मेरे साथ ले चलेंगे? जरूर ले चलता रंजना, मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, मुझे अकेला ही जाना चाहिए। क्या दो दिन की ब्याह हुई दुल्हन को तो इस तरह छोड़कर जाता है? मैं मजबूर हूँ रंजना, मैं उन लोगों से वादा कर चुका हूँ, वरना कभी नहीं जाता। देखिए जल्दी आ जाइएगा, जब तक आप नहीं आएंगे मैं इंतजार करूंगी। सुनिए ऐसा ना करना रंजना, तुम सो जाना। आज मेरा दिन खराब रहा है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मुझे साथ ले चलिए। रंजना पढ़ी लिखी होकर रहन करती है, मेरे ना जाने से मेरे दोस्त मेरे मुताबिक स्वास्थ्य होते हैं। कुछ नहीं समझे, लेकिन आपको नहीं जाने मुझे नहीं जाने दी। तुम भी साथ रखो रंजना, मैं जल्द बात करता हूँ। एक बात है हद हो गई, आज बाबूलाल शोभा के गाने का कंपटीशन है और ये खामखा देर कर रहा है। Hello boy. Okay, let's go. लटका लगा है लटका है साथ गले में अटका, अब और न देना झटका मेरी मोमबत्ती ये।
ओए तू क्या जाने प्यारे तेरे इश्क में मारे मारे गए काबुल और बुखारे मेरे तारा तिंदुए तेरी लटका लगा है लटका है दांत गले में अटका अब और न देना झटका मेरी मोमबत्ती तू क्या जाने प्यारे तेरे इश्क में मारे मारे गए काबुल और बुखारे मेरे तारा तिंदुए जब देखू मैं तुझको मेरे दिल में शोला भर के तो जब जब देखू मैं तुझको मेरे दिल में शोला भर के तू क्या जाने अब मुझे ना हो जाता के लड़के अरे हो जाता के लड़के तेरी एक नजर पे बारी मैंने गाँव की सरदारी क्या तुझसे जान है प्यारी मेरी मोमबत्ती तू क्या जाने प्यारे तेरे इश्क में मारे मारे ओए काबुल और बुखारे मेरे तारा तिंदुए बन थोड़ा हमें होगा अमृत सर का थाना और अमृत सर का थाना जब तू है तो क्या डर है तेरी जेल भी मेरा घर है तेरे कदमों में ये सर है मेरे तारा तिंदुए तेरी लटका लगा है लटका है सांस गले में फटका अब और न देना झटका मेरी मोमबत्ती आ जाऊंगा रेल पे बल्लो पेट के तांगा घोड़ा अरे आ जाऊंगा रेल पे बल्लो पेट के तांगा घोड़ा मेरे प्यार पना दे गाली मेरी जान मोतियों वाली मैं खुद हूँ तेरा तवाली मेरी मोमबत्ती तू क्या जाने प्यारे तेरी इश्क में मारे मारे बैठा फूल और बुखारे मेरी तारा तिंदुए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ मेरा नाम मेरा नाम जो कुछ पूछना हो सब पूछो उससे पूछो बात करो अरे तू जा तो करिए नहीं जा सकती मुझे ये मालूम करना है कि कौन है ये मेरी लड़की और कौन नहीं नहीं ये झूठ बोलती है लड़की नहीं अब तो मेरा शक कहीं निकला चलो मेरे साथ
आने का वक्त हो गया है, अगर वो दुनिया जल्दी यहाँ देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। जाओ चलो जाओ यहाँ से। ये कौन आया आधी रात के समय? क्या बात है? तुझे एक्सीडेंट हो गया है। तो हम क्या करें? इस लाश को किसी अस्पताल या पुलिस स्टेशन पे ले जाओ। इस लाश के लिए पुलिस स्टेशन अस्पताल जो कुछ भी है यही घर है। क्या कहते हो, किसकी लाश है ये? क्या बताऊं मुझे, जल्दी बता दो क्यों किसी की नींद खराब करते हो। आप लोग इस चोरी का मुंह देखेंगे तो जिंदगी भर नहीं सो सकेंगे। क्या बात है सुरेश? बेटा सुरेश, बेटा सुरेश, ये तेरे जाने का वक्त न था, मेरे जाने का वक्त था। तूने अपनी मौत से ये क्यों कह दिया कि तेरी जिंदगी के जगमगाते हुए दीपक को बुझाने की बजाय मेरी चिमचिमाती हुई शमा को बुझा डाले।
सुरेश सुरेश बेटा सुरेश उजड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा उजड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा टूट गई वो डाली जिस पर तूने डाला डेरा उजड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा आया वो तूफान बिखर के रह गया तिनका तिनका लिया है तुझसे किस्मत ने ये बदला है किस दिन का ये रंग बिरंगे पंख छोड़ दे ये रंग बिरंगे पंख छोड़ दे अपना पिंजरा आप तोड़ दे आई वो गम की रात न होगा जिसका कोई सवेरा उजड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा साथ छोड़ गया साथी तेरा रह गई उसकी यादें साथ छोड़ गया साथी तेरा रह गई उसकी यादें चुप हो जा चुप हो जा तेरी कान सुनेगा दर्द भरी फरियादें हार सिंगार मिटा दे अपना तेरी खुशियाँ हो गई सपना हार सिंगार मिटा दे अपना तेरी खुशियाँ हो गई सपना छोटी सी एक जान को गम से तूफानों ने घेरा उजड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा रातों की क्या बात करे अब दिन भी हो गए काले रातों की क्या बात करे अब दिन भी हो गए काले दूर तेरी परछाई से भी हंसेंगे दुनिया वाले कोई न देखे टूटा तारा दुखिया से सब करे किनारा बरी हुआ उजाला अब तो देगा साथ अंधेरा उजड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा टूट गई वो डाली जिस पर तूने डाला डेरा उजड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा मेरे ख्याल में साफ सो गए सो रहे होंगे तो उठा देंगे लाल पान फिर लाल पान कहाँ
बाबू लाल तू ने मेरी हत्या की चक्कर आपके नहीं अच्छा मिया जी जी से रमन जी से अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो मैं क्या करती हूँ किससे मिलना तुम्हें मेरा नाम बेटी बेटी था ये मुझसे मिलने आई थी सच कहती है ये सवाल जरा टेढ़ा है इसका जवाब तुम खुद दे दो मैं इनकी घरवाली क्यों मैं बाबूलाल के बच्चे ये मियाँ जी को बताया बगैर ही चाचा धोया लिया कहेंगे भैया जी जाओ जाओ अपना काम करो ये मियाँ बीवी का मामला है इसमें तुम्हें कुछ मिलने मिलाना वाला नहीं जाओ अपना काम करो मियाँ जी बुरा न मानो तो आप भी जरा काम करो इसलिए कि मैं जरा दो मिनट बात करना चाहता हूँ दो बात अरे मुंडा दो तो क्या तुम 2000 करो ना जाओ माफ करो ना थैंक यू इधर आओ इधर लाल पान है इधर भैया है इधर आओ इधर चलो इधर बैठ जाओ अच्छा ये बताओ कि तुम मेरी घरवाली कैसे हो गई जिस दिन तुमने मुझे मार खाने से बचाया था उस दिन हाँ इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने किसी 7 साल की गुड़िया को बचा लिया तो वो भी मेरी घरवाली हो जाएगी नहीं मेरे पिताजी मुझे किसी युवराज के हाथ देख देना चाहते हैं मैं किसी राजमहल में दयालु होकर रहने के बजाय तुम्हारे कदमों में रहना पसंद करूंगा सवाल बड़ा टेढ़ा है अपने कदम की कोई गारंटी नहीं है कभी पुलिस स्टेशन में पड़ते हैं और कभी म्युनिसिपैलिटी के फुटपाथ पर ये सब बहाने नहीं चलेंगे मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी अच्छी बात है पर तुम रहती तो वही हो ना कोई काम पड़ जाए तो नहीं उन बदमाशों ने फिर मकान बदल दिया है कहाँ पता बताओ लेकिन याद रहेंगे तुम इन खोपड़ी को क्या समझती हो रोहने बादाम पिलाता हो अच्छा तो सुनो मैं बता दूं मगर ये उधर जाके बताने की नई तरकीब कौन सी है भाई चार बच्चों का किसान मीठे पान की दुकान मीठे प्यार का मकान तुम्हें याद रखना तेरे डैडी का दरबान मुझे वाला है पठान नहीं मिलना आसान गोरी याद रखना चार बच्चों का निशान मीठे पान की दुकान मीठे प्यार का मकान याद रखना तेरे डैडी का दरबान मुझे वाला है पठान नहीं मिलना आसान गोरी याद रखना तेरा बड़ा मिलने का और कोई रास्ता बता अच्छा तेरी तेरी बात मीठे हाथी मीठे जान मीठे प्यार की पहचान तेरा याद रखना तेरे डैडी का दरबान मुझे वाला है पठान नहीं मिलना आसान गोरी याद रखना चार पत्ती का निशान मीठे पान की दुकान मीठे प्यार का मकान तेरा याद रखना बत्तियाँ बनाओ नदी पर भर के घर पे लगे हैं ताले अलीगढ़ के बत्तियाँ बनाओ नदी पर भर के घर पे लगे हैं ताले अलीगढ़ के पति तेरे साथ में तो पता चलता
होगा नीला आसमान, दिल वालों की उड़ान, फिर देखेगा जहान, गोरी याद रखना। तेरे दादी का दरबान, मुझे वाला है पठान, नहीं मिलना आसान, गोरी याद रखना। जी गल होगी। अरे क्या, अरे भैया राम 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 राम। तुझे थोड़ी सी घंटा पी ली, तीन दिन तक बिस्तर ने मुझे नहीं छोड़ा और ना ही मैं बिस्तर को छोड़ सकी। अपनी दीदी जी को देखा, सर का ताज उतर गया लेकिन सर के बाल नहीं गए। रामधन, पति के मर जाने के बाद औरत को सर के बाल मिलवा देना बहुत जरूरी है। ठीक है। अरे वो तो मिलवाने के लिए तैयार थी। अच्छा हाँ, लेकिन साहब ने मना कर दिया। अरे कि सर के बाल औरत की शोभा होती है, मैं हरगिज नहीं मिलवाने दूंगा। दीदी जी को साहब की बात नहीं माननी चाहती। ठीक है, भगवान न करे अगर कहीं ना देना हो जाए तो सर के बाल तो क्या, कि मेहता साहब की विधवा बहू ने आज तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? ये मेरे दिल की नसीब। तुम बैठ जाओ बेटी। मुझे घर जाने। गुनाह का भांडा फूटने लगा तो अब घर भागने लगी। बात बंद करो कि मैं अपनी बहू के बारे में भी झूठी कहानी तुम्हारे सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग जानते हैं कि बोलो क्या जानते हैं? यही कि जिस लड़की को बहू बनाकर आप अपने घर लाए थे वो आपकी बहू। थोड़ी देर ठहरो बेटी, घर के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाए। मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मेरी इज्जत का वो खजाना जिसे मैंने बरसों मेहनत करके जमा किया था, आज लुटेरों से भरी सभा में लूट कर मुझे कंगाल कर दिया। वो इज्जत फिर हासिल करने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना होगा, इसलिए मुझे मर जाने दे बेटी, मुझे मर जाने दे। पिताजी धीरे से काम लीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि पुरुष होकर भी आपका दिल कितना कमजोर है। पुरुष उसी वक्त तक पुरुष है जब तक उसके सिर पर इज्जत का ताज है। जिस तरह एक राजा अपना ताज छिन जाने के बाद रास्ते का भिखारी बन जाता है, उसी तरह इंसान इज्जत खोकर रात बाजारी कुत्ता बन जाता है जिसे हर रास्ता चलने वाला धुतकारता है, पत्थर मारता है। लेकिन पिताजी, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी खोई हुई इज्जत फिर वापस ला दूंगी। मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। कौन सा रास्ता? लोग हमें इसलिए बदनाम करते हैं कि हम इस घर में अकेले रहते हैं। तीसरे के आ जाने पर भोगने वाले कुत्ते हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। क्या मतलब?
पिताजी आप दूसरी शादी कर लीजिए। रंजना, लोगों ने मुझे बदनाम जरूर किया, मेरी इज्जत जरूर लूटी, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मैं इंसान नहीं हूं। तुम मुझे इतना गिरा देना चाहती हो कि मैं इंसान कहलाने के भी काबिल न रहूं। घर में जवान बहू या बेटी होते हुए जो लोग दूसरी शादी करते हैं वो इंसान नहीं, हैवान है। दूसरी की बात और है पिताजी, लेकिन यहां अपनी इज्जत का सवाल है। लेकिन ये कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि दर्द और तकलीफ से तड़पते हुए मरीज को जहर देकर मार डालना चाहिए ताकि उसे शांति नसीब हो? मेरे इरादे को डगमगाने की कोशिश करना बेकार है। आज अगर मौत भी मुझसे मुंह मोड़कर जाना चाहे तो मैं बढ़कर उसका भी रास्ता रोक लूंगा। अच्छी बात है, आप अपनी मौत को रोकिए और मैं अपनी मौत को आवाज देती हूँ। आज इस घर के दरवाजे से एक भी दो दो लाशें निकलेगी। रंजना, ये तुम क्या कर रही हो बेटी? दुनिया मुझे चैन से जीने तो नहीं देती, तुम मुझे चैन से मरने भी न दोगी? नहीं मरने दूंगी। अगर आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो आपको अपनी बेटी के पवित्र विधवापन की सौगंध है। मेरी बात मान जाइए, आप मेरे पिता हैं। मैं इस बार अपनी मां देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरी उम्र भी तो देखो बेटी, एक पांव घर में दूसरा स्मशान में, और अगर मैं तुम्हारी खुशी रखने के लिए राजी भी हो जाऊं तो मुझसे शादी करने के लिए कौन तैयार होगा? ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से अपनी माँ को ढूंढने का भी अफसोस है रंजना बहन कि इतनी समझदार होकर आप ये बात कह रही हैं। कहा आपका सुसा और कहा मेरी बेटी की बेटी? तो क्या हुआ महन भैया, इन मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती, सिर्फ घर बार तंदुरुस्ती देखते हैं। अगर आप अपनी राधा को सच में सुखी देखना चाहते हैं तो ये रिश्ता मंजूर कर लीजिए। रंजना बहन, तुम्हें ये सलाह देते हुए शर्म नहीं आती? क्या तुम अपनी तरह इस बिचारी को भी विधवा बनाना चाहती हो? मेहरबानी करके चली जाओ यहाँ से। अब जबान को लगाम दो। मैं समझ गया कि तुम्हें सौदा करने आई हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को बेच नहीं सकता। गंदा भी मेरी गाय गंदिया जरूरत के साथ यहाँ से चली जाओ तो बेहतर है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। इतना रंगीन और उदास चेहरा तो पहले कभी नहीं देखा था मैंने तुम्हारा। क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ तो है जिसे तुम छुपा रही हो। छुपाने जैसा रीता, जिस बात की सारे शहर में चर्चा हो रही है वो बात तो तुमने भी सुनी होगी। कौन सी बात शोभा? वही बहन रंजना और उनके ससुर के संबंध में। ओह हाँ, है तो बहुत पूरी बात, लेकिन मैं नहीं समझती कि इन दोनों में ऐसा कोई बुरा संबंध होगा। हो या ना हो, लेकिन जब चार आदमी किसी झूठी बात को बार बार कहते हैं तो उसे झुठलाने की किसी में हिम्मत नहीं होती, वो सच्ची समझी जाती है। और जब से मैंने ये बातें सुनी है ऐसा मालूम होता है कि कहीं जाकर डूब मरो। सब बातें सोचूंगा मेरे रंगरी बहन का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि दुश्मनों का मुंह बंद करने के लिए दीदी दूसरी शादी क्या नहीं कर लेती? तुम तो पत्थर में जोक लगाने वाली बात कर रही हो रीता। ऐसा क्यों? वो मैं तुम्हें ज्यादा बेटा समझेगी लेकिन दूसरी शादी का नाम तक सुना गवारा नहीं करेगी। एजुकेटेड और अल्ट्रा मॉडल होने के बावजूद उनकी नजरों में खाली नारी का संस्कार भरा हुआ है रीता, तो फिर क्या हो सकता है? यही तुम्हें सोच रही हो। तुम दीदी के लिए क्या कर सकते हो समझ में नहीं आ। दीदी दीदी आओ दीदी, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? मेरी दीदी, मेरी माँ,
बोलो ना दीदी, अब तो नासे ने आंखों में घर बना लिया है शोभा। दीदी दीदी क्या कह रही हो, जब संसार में कोई आंसू पोछने वाला ना हो तो इस दिल के नासे बन के रात दिन तड़पाते रहते हैं। अब मुझे तो कहने की ताकत नहीं रही शोभा, आज आज मैं तुमसे आखिरी बार मिल रहा हूँ। आखिरी बार? इस बेरहम समाज और दुनिया वालों के पानी से मैं घबराती हूँ। इस पत्ना में लाल रहा जिंदगी से तो मौत बताया पर के पास करूँ तो तुमने हार मान ली थी। कोई आंसू ना हो तो हार माननी ही पड़ती। नहीं दीदी नहीं, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, कुत्ते के भोगने से कारवा नहीं रुकता, चांद पर धूल फेंकने से चांद लेना नहीं होता। दीदी नहीं दीदी, हिम्मत से काम लो, तुम्हारी यह कमजोरी दुश्मनी की कामयाबी होगी। तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो, अपने इरादे बदल दो। दीदी नहीं शोभा, दीदी अपने अपने इरादे को नहीं बदल सकते। अगर तुम अपना इरादा बदल नहीं सकती तो आज मैं अपना इरादा बदलती हूँ। क्या मतलब? यही कि जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो चीज तुम्हारी आंखों के सामने है। कौन सी चीज दीदी? तुम अपने घर साथ लाना चाहती हो ना? तुम अपने ससुर को तुम्हारे लाना चाहती हो ना? तो समझ लो आज से मैं तुम्हारी सास हूँ। शोभा ये तुम क्या कह रही हो? हाँ दीदी, तुम्हारा जीवन इतना सस्ता नहीं कि दुश्मनों के तानों की भेंट चढ़ जाए। तुम्हारी और तुम्हारे घर की इज्जत को कायम रखने के लिए तुम्हारे तुम्हारे ससुर की बुलंदी लेने के लिए तैयार हूँ। शोभा मेरी बहन, ये क्या कर रही है? मुझे सिर्फ तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है। जाओ दीदी, शादी की तैयारियां करो, तैयारी करो दीदी, जल्दी करो। जाओ दीदी, रंजना कहाँ है? उसे बुलाओ। ऐसे समय का सामने आना मना जाता है। कौन कहता है जाओ, उसे ले आओ, मैं उसके दर्शन करके अपने नए संसार में कदम रखना चाहता हूँ। जाओ रंजना बहन, साहब ने आपको बुलाया है। नहीं बहन, मैं अपने पवित्र परछाई आज इन पर नहीं पढ़ने दूंगी। कहते नया संसार मुबारक हो। जाओ बहन। नहीं रंजना, अगर तुम नहीं आओगी तो मेरी खुशी अधूरी रह जाएगी। आ जाओ। नहीं पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं वहां नहीं आऊंगी। रंजना रंजना। मालिक टेलीफोन। देखा, बड़े लोगों की हर तरकीब बड़ी होती है। अपने पाप पर कितना बड़ा पर्दा डाल दिया। कुछ भी कहो बहन, रंजना है बहुत चालाक। छोटी बहन की शादी करके खुद पाप में पड़ती रहेगी और दुनिया की नजरों में सती भी बनी रहेगी। चलो बहन चले। मौसी क्या बातें कर रही है? कुछ भी नहीं शोभा बहन, कुछ भी नहीं। तुम ना ही सुनो तो अच्छा है। नहीं मौसी, साफ साफ बताइए क्या बात है। क्या बताए, सुनकर रो देने के सिवा और कुछ भी न कर पाओगे। आपके जीवन जैसे बीते चुपचाप बिता दो। मौसी मैं तुम्हारी बातों का अच्छी तरह मतलब समझती हूँ, लेकिन सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो कुछ तुम कह रही हो वो कहाँ तक सच है? राम 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 राम, मैं झूठ थोड़ा ही कहती हूँ। मैंने तो जिंदगी में कभी झूठ ही नहीं बोला। और फिर थोड़े ही दिनों में तुम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लूंगी।
और मैं अकेले छोड़ा ही जानती हूँ। इस बात को तो सारा मोहल्ला जानता है। अच्छा मैं जाती हूँ। राम 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 राम। हेलो, आप कौन हैं? किसी लड़की की आवाज है। रंजना होगी, सुना दो से भी करी करी। मैंने कहा रंजना दी मुबारक हो, आपने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की अच्छी तरकीब निकाली। छोटी बहन के जीवन की कुर्बानी देकर बड़ी बहन ने बड़ा नेक काम किया। बहन हो तो तुम जैसी हो। मैंने क्यों फोन उठा लिया, अपने हाथों से अपना कलेजा छन्नी कर लिया। लोग ठीक कहते हैं, इस उम्र में शादी करना बहुत बड़ा गुनाह है। जज होते हुए भी मेरे हाथों इंसाफ का खून हो गया। तो फिर आपको शादी के लिए किसने मजबूर किया था? घर की इज्जत ने, बदनामी के डर ने। ये सब बहाने हैं। शोभा, ये तुम क्या कह गई? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मेरी गलत खुले शब्दों में कुछ कह भी तो नहीं सकती। अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती तो मैं ये शादी कभी ना करती। शोभा, मेरी तरफ देखो, दुश्मन अगर पत्थर भी मारे तो उतना दुख नहीं होता जितना दोस्त के फूल मारने से होता है। जरा खाओ। मैं अदालत में हर रोज इस पवित्र गीता को लोगों के हाथ में देकर सौगंध खिलाता हूं। आज एक सच्चे हिंदू की तरह मैं इस पवित्र गीता की सौगंध खाकर कहता हूं कि मेरे और तुम्हारे दरमियान न तो कोई पर्दा है और न कभी होगा। मैं तुम्हारे लिए खुली हुई किताब हूं जिसका एक एक लफ्ज तुम जब चाहो अपनी आंखों से पढ़ सकती हो। अब तक खेल पीटने से क्या फायदा? अब तो किसने जो भी खेल दिखाए वो हंसते या रोते देखना ही पड़ेगा। अजीब टाइप की आशिक हो गई। वहां आज माशूक से मिलने का वायदा है और आप पड़े यहां आराम फरमा रहे हैं। मुन्ना सोते रहो, मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे माशूक से मिलने के लिए माली बन के चला जाता हूं। बाबूलाल के बच्चे इस करने चला बेटा, अब मैं बताऊंगा तुम्हें। अरे ये लहलू तो बाबूलाल की चप्पल पहन बैठा है। है तो उसी टाइप की जगह, लेकिन कहीं उल्लू मैं भूल तो नहीं गया। तुम यहाँ कहाँ से टिकट पड़ी? वो कहाँ है? वो तो मद्रास के टिकट के लिए चीन में खड़ा है। उसने तो मुझे आपको लेने के लिए भेजा है दिल्ली के लिए। मैं उनके सिवा किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मगर आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपको ट्राम या बस में थोड़ा ही, बल्कि मैं तो आपको बड़ी टैक्सी में भी जाऊंगा जी हाँ, और होटल में खाना खिलाऊंगा जी हाँ, और बोतल में लेमन पिलाऊंगा जी हाँ, और सुनिए चौपाटी की सैर भी करूंगा जी हाँ। इतना उमदा प्रोग्राम होने पर भी आप मेरे जैसे प्यारे और लवली आदमी के साथ नहीं चलती। देखो मैंने एक बार नहीं 10 बार कह दी थी तुमसे, मैं उनके सिवा किसी के साथ नहीं जाऊंगी। अरे तो मैं सोता रह गया, घर का टाइम हो गया। ये मियाँ जी का बच्चा किधर गया? समझ गया वहीं गया होगा, अभी आके ठीक करता हूँ तेरे को। तो नाराज क्यों होती हो मेरी जान? अपनी पान की दुकान कर दूं तुम पर कुर्बान। सुनिए हे भगवान, तूने मेरी सुन ली? देखिए यहाँ हम लोगों का मिलना कुछ ठीक नहीं है।
तो फिर कौन सी जगह ठीक रहेगा? मैं बताऊं? जी। मेरे घर चलेगी तुम मेरे साथ? कुबान हो जाऊं मेरी कच्चे रानी, बहुत उम्दा प्रोग्राम है। जी हाँ आया आया। अच्छा ये तो बताओ जी, मिठाई में तुम्हें कौन सी मिठाई ज्यादा पसंद है? मिठाई? हाँ मिठाइयों में तो मुझे कद्दू का हलवा बहुत पसंद है। कद्दू का हलवा? जी। तब तो तुम बहुत नसीबदार। क्या हुआ जी? आज तो मैंने कद्दू का ही हलवा पकाया है। अच्छा जी। हाँ? तब तो मुझे आज जी भर के खिला दो मेरी कच्चे रानी। अरे तुम लोग नहीं जानते मैं हूँ खानदानी मियाँ जी पान वाला। देखो 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 हाथ चला की मत करो, माउथ से बात करो, माउथ से। क्या करो? क्या करो? बात तो सुनिए, ये कुछ बहुत बड़ा बदमाश मालूम उंगलियां बेचू मजनू की पतलियां बेचू, आओ दिलवालो खाओ दिलवालो नरम ककड़ियां बेचू। लैला की उंगलियां बेचू मजनू की पतलियां बेचू, अरे आओ दिलवालो खाओ दिलवालो नरम ककड़ियां बेचू। लैला की उंगलियां बेचू मजनू की पतलियां बेचू। लाला जी यो बाबू भी खूबू पे रह कर जीते, ये जीना भी क्या जीना दम निकले खाते पीते, ओए दम निकले खाते पीते। ओ लाला जी यो बाबू जी खूबू पे रह कर जीते, ये जीना भी क्या जीना दम निकले खाते पीते, ओए दम निकले खाते पीते। प्यास बुझा लो गर्मी में सावन की बदलियां बेचू, लैला की उंगलियां बेचू मजनू की बदलियां बेचू। खा दिलवा लो खा दिलवा लो नरम ककड़ियां बेचू, लैला की उंगलियां बेचू मजनू की बदलियां बेचू। मुर्गों पर ना छुरी चलाना ले बकरों की हाय, खून किसी का क्यों पीना पीले शरबतिया जाए, अरे पीले शरबतिया जाए। मुर्गों पर ना छुरी चलाना ले बकरों की हाय, खून किसी का क्यों पीना पीले शरबतिया जाए, अरे पीले शरबतिया जाए। रोग मिटा और हैस बना गालों की सुर्खियां बेचू, लैला की उंगलियां बेचू मजनू की पतलियां बेचू। आओ दिलवालो खाओ दिलवालो नरम ककड़ियां बेचू, लैला की उंगलियां बेचू मजनू की पतलियां बेचू। खीरी और फरहाद पिलो तो हो ना
सकी सगाई, क्योंकि भूल से बेचारों ने ये ककड़ी ना खाई, और भाई ये ककड़ी ना खाई। शीरी और फरहाद के लोगों हो ना सकी सगाई, क्योंकि भूल से बेचारों ने ये ककड़ी ना खाई, अरे भाई ये ककड़ी ना खाई। अरे सवारो ले जाओ शादी की पर्चियाँ बेचू, लैला की उंगलियाँ बेचू, लगनों की पत्तियाँ बेचू, अरे आओ दिल वालो खाओ दिल वालो नर्म ककड़ियाँ बेचू, लैला की उंगलियाँ बेचू, मजनू की पत्तियाँ बेचू। रंजना रंजना जी, बेटी जरा रामधन से कह दो मेरा सर दबा दे, न जाने क्यों दुख रहा है। मैं खुद ही दबा देती हूँ। तुम क्यों तकलीफ करती हो, रामधन से ही कह दो। मेरी चिंता नहीं है जी। पत्नी के होते हुए विधवा बहू से सर दबवाया जा रहा है, क्या बताऊं शोभा बहन। एक दिन तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि साहब रंजना को झूले पर से अपनी गोद में उठा कर ले गए। चुप रहो मौसी, मेरे जख्म पर नमक मत छिड़को। अरे मैं तो चुप ही रहना चाहती हूँ, लेकिन शोभा बहन तुम्हारा घर जलता है और मेरा दिल। अब बस करो बेटा, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे। पिताजी आपकी सेवा करने से जो आनंद मेरी आत्मा को मिलता है उसे आप नहीं जानते। आप आराम कीजिए पिताजी। देखो तो किसका टेलीफोन है। देखिए पिताजी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। अपने ही घर में आने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है क्या। अपना घर अपना हो तब ना। आज मैं ये पूछने आई हूँ कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। क्या मतलब। क्या मैं इस घर में एक किराए किसी भी बनकर आई हूँ। ऐसा कौन कहता है शोभा। आपका बर्ताव अब तक तो दुनिया की जबान से सुनती थी, मगर आज अपनी आंखों से भी देख लिया। ऐसा तुमने क्या देख लिया शोभा। मैं मर गई थी, आपने मुझसे सर दबाने के लिए क्यों नहीं कहा, मुझे क्यों नहीं बुला लिया। मैं जानता हूँ कि पति की सेवा करना हर स्त्री का फर्ज है, लेकिन मैं इस काम के लिए तुम्हें भी तो तकलीफ नहीं देना चाहता था। रामधन को बुलाने के लिए कहा तो रंजना ने खुद सर लगाना शुरू कर दिया, और मैंने उसकी खुशी को टालना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन एक की खुशी के लिए आप दूसरे का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप जो बर्ताव मुझसे कर रहे हैं मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो क्या दुनिया की कोई औरत उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज आपको खुले शब्द में इकरार करना पड़ेगा कि आप झूठे हैं, आपका दिया हुआ वचन झूठा है, गीता की खाई उस वचन भी झूठी है। बस करो शोभा, मैं आगे एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं कर सकता। दिल के जख्म भरने के लिए जो मरहम खरीदा था वो भी आज नमक बनकर रह गया। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। किस्मत तो मेरी फूट गई है, मैंने दीदी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, मगर क्या खबर थी कि जीवन भर खून के आंसू पीना पड़ेंगे। शोभा तुम्हारे इस घर में दुल्हन बनकर आने के बाद हमने समझा था इस घर से गम की परछाई दूर चली जाएगी। हमारे सपनों को मिट्टी मना मिला शोभा, अगर तुम कहोगे तो मैं जिंदगी पर तुम्हारे कमरे में पाँव भी नहीं रखूंगी, मगर लोगों के बहकाने में ना हो। इन छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े अफसाने बन जाते हैं शोभा। दीदी तुम मेरे सर पर हाथ रख के कसम खा सकती हो कि जो कुछ लोग कहते हैं वो सब झूठे। कहो दीदी, कहो दीदी, वो सब झूठे। दीदी लाख बार कह सकती हूँ, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ बहन, मुझ पर विश्वास करो, ये सब झूठ है शोभा, ये सब झूठ है। रामधन, हेलो रामधन, तुम कौन हो।
मैं यहाँ। अच्छा अच्छा, बाबूलाल के घर वाले हो? राधा बहन, कृष्णा बहन, आओ तो मैं बाबूलाल की घर वाली से मिलाऊं। ये है बाबूलाल की घर वाली, और मुझे कहती है, सब लोग कहते हैं, मोती की मौसी। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है? बच्चा? बच्चा? हाँ हाँ, तुम अपने माँ बाप के घर बच्चे के लिए गई थी ना? माँ बाप के घर? बच्चा क्या बताऊँ मोती की मामी, बच्चा पैदा भी हुआ और मर भी गया। क्या हुआ? भगवान ने बच्चा दिया भी और ले भी लिया। चलो अच्छा हुआ, माँ बाप के सर से बोझ हल्का हो गया। मगर ये किसके बच्चे की बात हो रही थी? तुम्हारे बच्चे की, अभी अभी तुम्हारे घर वाले। मेरे बच्चे की बात हो रही थी। मौसी, क्यों याद दिला दिया तुमने? वो बच्चा नहीं, अवतार था, अवतार। मौसी पहले ही महीने में हिंदी बोलने लग गया और दूसरे महीने में अंग्रेजी, तीसरे महीने में उर्दू। और मौसी चौथे महीने में तो चलने लगा, और ऐसी स्पीड पकड़ी के बगैर स्पुटनिक के ऊपर पहुंच गया पांचवे महीने में। क्या नाम था हमारे बाबा का? बाबा का नाम था, बाबा का नाम जल्दी याद करो। बाबा का नाम था मौसी। अगर आज मेरा किंकुम जिंदा होता तो मैं उसे गामा पहलवान से भी हरा देता। चलो अफसोस करने से क्या फायदा, भगवान ने किंकुम ले लिया ना, अब की तरह पिंगपोंग दे देगा। पिंगपोंग नाम चला। मौसी आशीर्वाद दो। थैंक यू मौसी, निकल चलो। राम 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 राम। क्या तमाशा है? इसे कहते हैं बिन पैसे का तमाशा। अरे दो घड़ी मजा तो आ गया ना। मजा तो आ रहा है, अब नींद भी आ रही है। ठीक है, तो आप कहाँ जा रही है? मैं सोने के लिए बाहर। तुम खटिया पे सो जाना, मैं बाहर सो जाऊंगा। मगर बाहर क्यों? वो बाहर क्यों? हाँ, मुझे बाहर ही सोने की आदत है, मैं अंदर नहीं सोता हूँ कभी भी। लेकिन बाहर खटमल है, मच्छर है, तुम्हें नींद कैसे आएगी? खटमल और मच्छर जो है ना, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। ये बॉडी के ऊपर खेलते हैं, काटते नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। ओफो, मैं कहता हूँ वो बेचारे मेरा रास्ता देख रहे होंगे। नहीं समझी, मच्छर और खटमल। कहाँ है खटमल और मच्छर? फौरन तस्वीर। शोभा बहन के कमरे में बहुत बड़ा सांप घुस गया है। हाँ, आप की जगह पर मैं जाकर मारूं? नहीं भैया, वो तो शोभा बहन का सोने का कमरा है, वहाँ आप कैसे जा सकते हैं? मैं खुद ही बहुत दिनों से सुनो, आप मत जाना, आपको तो मालूम है इस घर में जहन की बीमारी बुरी तरह से चली हुई है, आप खामखा शिकार हो जाएंगे। लेकिन ये वक्त सोचने का नहीं भैया, कुछ भी करके सांप को निकाल देना। आप बताइए दीदी। Thank you.
रुकने पछताएगा, खाली आ जाएगा। अरे तुम चलो तो सही, थोड़े बहुत बर्तन भी ले जाएगा। सब फूटे फूटे हैं, एक सलामत नहीं ले जाएंगे। दीदी तू आज इस वक्त यहाँ? हाँ बहन, भगवान का शुक्र है उसने तुम्हें बचा लिया। तुम्हारे कमरे में सांप आ गया था, वो तो मैं भी देख रही हूँ। अगर मेरी आंख न खुल जाती तो शायद मुझे डस लेता। शोभा, शोभा क्या बात है, किससे बातें कर रही हो? क्या बात है शोभा? चोरी पकड़ी गई। आधी रात के समय दीदी को ऐसी हालत में अपने कमरे में देखने के बाद भी आप कहीं नहीं, मेरे वहन है। शोभा, वहम के भंवर में फंसा हुआ इंसान कभी किनारे पर नहीं पहुंच सकता। डूबने से पहले मेरा हाथ थाम लो और वहम के भंवर से बाहर निकल जाओ। मैं पूछती हूँ, आधी रात के वक्त पति पत्नी के सोने के कमरे में एक जवान विधवा के आने का मतलब क्या हो सकता है? विश्वास करो शोभा, जब बाबूलाल ने मुझे बताया कि तुम्हारे कमरे में सांप गया है तो मैं अपने आप को नहीं रोक सकी। कहाँ है वो सांप? मैंने अपनी साड़ी में लपेट कर बाहर फेंक दिया है। आओ बहन, देखना साड़ी बाहर पड़ी है। देख लो बहन, कहाँ है साड़ी? शायद को उठा ले गया। तुम जानबूझ कर झूठ बोल रही हो, क्यों साबुन कर मेरी जिंदगी को डस रही हो? अगर सांप आया था तो मुझे जगा क्यों नहीं लिया? ऐसी हालत में तुम्हें सांप नहीं देखना चाहिए, होने वाली औलाद की आंखें कमजोर हो जाती है। ये झूठ है, गर्भवती स्त्री की परछाई अगर सांप पर पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाता है। इस घर में झूठ ही झूठ फैला हुआ है। इस झगड़े का भी फैसला हुआ जाता है, अगर बाबूलाल ये कह दे कि रंजना सच कहती है तो? तो ठीक है, बुलाइए बाबूलाल को। रामधन जाओ बाबूलाल को बुला कर ले आओ। घर पर ताला लगा है सरकार, मैं देख कर आया हूँ। मगर वो अभी भी तो यहाँ था, जा जाकर अच्छी तरह देखो। मैं सच कहता हूँ, दीदी को नहीं है, मैं सांप है, मैं सारी है, मैं बाबूलाल है। अगर मेरी आंखों के सामने कुछ है तो सिर्फ गुनाह की दो तस्वीरें हैं। अब बताओ एक दूसरे से बात नहीं पुकारने वाले पापियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? शोभा, मैं आज तक अपने गुस्से के तूफान को रोकने की कोशिश करता रहा, मगर आज इस तूफान ने सब्र की हदों को तोड़ दिया है और मैं ये फैसला करने पर मजबूर हो गया हूँ कि इस घर से हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाऊं। तो चली जाइए, बड़े शौक से चली जाइए। शोभा, पति के साथ तुम ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? शर्म मुझे आनी चाहिए क्या? बोले शर्म कहा होगा जो मुझे तो शर्म कहा तो शोभा जी तो ये चाहता है कि जिस तरह तुमने मेरी गरीब विधवा बहू के मुंह पर तमाचा मारा है, मैं भी तुम्हारे मुंह पर इतना जोर का थप्पड़ मारूं कि तुम्हारे सारे दांत बाहर निकल आ जाए। मगर मैं ये नादानी नहीं कर सकता, लेकिन समझ में नहीं आता कि अब हम इस घर में साथ कैसे रह सकते हैं। चले जाएंगे शोभा। अपने बचे हुए घर को बर्बाद न करो, मान जा बहन, मान जा।
अरे मासी आज तो आनंद ही आनंद हो गया। अरे आखिर वही हुआ ना, शोभा बहन को घर छोड़ना ही पड़ा। घर छोड़ना पड़ा क्या बाबू? रंजना बहन सांप पकड़ने के बहाने से अपने ससुर के सोने के कमरे में चली गई और शोभा बहन ने ऊपर से पकड़ लिया। रजब हो गया, तुम ही जैसे पड़ोसियों की लगाई हुई आग ने इस घर को जलाया है समझी, और तुमने शोभा बहन के कान में इतना जहर भर दिया था कि वो बेचारी बहरी हो गई। खैर कुछ परवाह नहीं, मैं उनको अभी वापस लेकर आता हूँ। अरे अरे सुनिए सुनिए, इस वक्त जो आपको कहाँ मिलेंगी अभी मैं जाइए। न तू चोर का बहाना करती, न मैं यहाँ से जाता, न शोभा बहन को घर छोड़ना पड़ता, ये सब तेरी जिद की वजह से हुआ। लेकिन बाबू भाई भला तुम दूसरे के घर के झगड़े में क्यों पड़ते हो? कभी मुझको भाई कहा तो याद रख, जहाँ तुझ जैसे सांप बिच्छू मौजूद हो वहाँ मुझ जैसा सांप बिच्छू का जहर उतारने वाला भी होना चाहिए। चल मेरे साथ। राम 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 राम। ये बच्चे की रोने आवाज कैसी? तू मालूम नहीं? तू देख। शोभा दीदी बालक का जन्म हुआ है। अच्छा? हाँ। वाह भगवान वाह, ये सब घर के झगड़ों का नतीजा है, कहाँ जन्म होना चाहिए था और कहाँ हुआ। तू ही फिर मैं चक्की लेकर आता हूँ। लेकिन जरा जल्दी आना, घर के झगड़ों ने साहब को इतना सदमा पहुँचाया है कि जुबान बंद हो गई। कोई इलाज कीजिए डॉक्टर साहब। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इन्हें जी भर कर रुलाना चाहिए। तो आप ही को तरकीब बताइए जिससे इनके बचे हुए आंसू आज में काम आ जाए। मैं क्या बता सकता हूँ रंजना बहन। पिताजी पिताजी ये आपको क्या हो गया है, बोलिए ना पिताजी बोलिए। रंजना बहन क्या आपको ऐसा कोई वक्त याद है जब साहब जी भर कर रोए हों? हाँ डॉक्टर साहब, एक दिन बहुत जी भर के रोए थे जब मैंने अपनी एक दुखी सहेली की कहानी सुनाई थी, आज मैं खुद वही कहानी बन गई हूँ। फिर देर न कीजिए, इन्हें वही कहानी सुना दीजिए। हम देने वाले देने को हम बेशुमार दे, सहने को साथ साथ मगर दिल हजार दे। हम देने वाले देने को हम बेशुमार दे, सहने को साथ साथ मगर दिल हजार दे। हम देने वाले देने को हम बेशुमार दे।
बंद करो रंजना, बंद करो ये कहानी, वरना आंसुओं की बजाय आंखों से खून टपकने लगेगा। पिताजी, मुबारक हो साहब, मुबारक हो। क्या बात है बाबूलाल? शोभा बहन को भगवान ने चांद सा बेटा दिया है। बेटा? सुना पिताजी, इस अंधेरे घर का चिराग रोशन हो गया। मगर अफसोस, उस चिराग की रोशनी हमारे अंधेरे घर को रोशन नहीं कर सकेगी। बाबूलाल जी साथ होंगे, शोभा बहन का सारा वहम दूर हो जाएगा। जी हाँ, वहम के सांप का जहर बाबूलाल दो मिनट में उतार देगा। आप चलिए तो सही। चलिए पिताजी। नहीं रंजना, तुम नहीं समझती। पिताजी, मैं भी शोभा बहन के बेटे को देखूंगी। चलिए चलिए ना पिताजी, मेरे आगे चलिए। हंसा हंसा जी, जरा बाबूलाल को तो बुला। बाबूलाल, रंजना बहन को बच्चे की पैदा होने की खुशखबरी भी मिले। खुशखबरी? मेरे मना करने पर भी वो वहाँ क्यों गए? लेकिन बच्चे के पैदा होने की खबर बाप को तो मिलनी चाहिए शोभा बहन, लेकिन मैं नहीं चाहती ये खुशखबरी उस घर में दी जाए। बाबूलाल को नहीं जाना चाहिए था। खैर, हंसा जरा मिलने के लिए दूध कर ले आना, अभी लाती हूँ। रंजना बहन बच्चे को देख कर बहुत खुश होंगी। बेकार की बात मत करो, मैं कहती हूँ जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। मुझे किसी से नहीं मिलना। शोभा बहन, दरवाजा खोलो। मुझे आज तो बहुत कुछ कहना है शोभा बहन, दरवाजा तो खोलो। शोभा, दरवाजा खोलो बहन। देखो बाबूलाल जी हमारे साथ हैं, तुम्हारा प्यारा बहन दूर हो जाएगा। खोलो दरवाजा बहन। शोभा, तुमने अपना घर छोड़ा जो एक हिंदुस्तानी औरत के लिए मुमकिन नहीं। तुम बोलती क्यों नहीं? मैं तुम दोनों में से किसी की भी शक्ल देखना नहीं चाहती। अच्छा तो सुन लो, आज से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए न मेरे दिल में जगह है न मेरे घर में। मुझे इसकी परवाह नहीं। इतनी बड़ी दुनिया में मेरे और मेरे बच्चे के लिए क्या कोई बचा नहीं? चलो बेटा, आज के पास जितनी देर ज्यादा ठहरेंगे उतना ही ज्यादा जलना पड़ेगा। मैंने हंसा को इसी मकान में जाते हुए देखा है, वो इस वक्त नहीं गई होनी चाहिए। मैं इस मकान को याद लगा दूंगा। चलो चुप जाए, चलो चुप जाए।
दुनिया से जीव चाट हो गया है बेटा। तुम्हें पति सेवा का सौभाग्य तो न मिला, अब देव सेवा करने की तैयारी करो। कल ही हम लोग वृंदावन के लिए रवाना हो जाएंगे, सारा जीवन वहीं बिता लेंगे। लेकिन पिताजी घर, तुम इससे घर कैसी हो? जिस घर से स्त्री रूठ कर चली जाए, जहां सबके दिल टूटे हुए हों, जहां पत्नी को पति पर विश्वास न हो और बहन बहन की दुश्मन हो, मैं ऐसे घर को घर नहीं समझता। पिताजी, जिस तरह एक अंधे की आंखें भी आंखें ही कहलाती है, उसी तरह ये कैसा भी है हमारा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वृंदावन के लिए भी नहीं? जी नहीं, स्त्री के लिए अपना घर ही वृंदावन है। हेलो हेलो हेलो, कौन जस साहब, मैं बाबूलाल बोल रहा हूँ जी। आप मेरी बात तो सुनिए, शोभा बहन के घर में आग लग गई है। क्या कहा, आग लग गई? बाबा और शोभा बहन दोनों आग में फंसे हैं, आप फौरन तशरीफ लाइए। अच्छा अच्छा, रंजना रंजना। मेरी ये हालत हो जाने से इस घर की किस्मत क्या घुटी है शोभा, जो तुम्हारे कदम दोबारा इस घर में आए, अब ये कदम जीते जी इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। दीदी बाबू लाल ने मेरा सारा दर्द दूर कर दिया, दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी मुझसे माफी मांगने के बजाय अपने पति देव से माफी मांगो शोभा। पिताजी, पिताजी क्या बात है? शोभा आ गई है पिताजी। शोभा आ गई है? कितने दिनों के लिए? शोभा
रंजना, बेटी रंजना। अब हमेशा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मगर माफ कर देने वाला दिल तो तुम तोड़ चुकी हो, अब माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं। और इतना समझ होने के कारण बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ती है, मगर समझदार मर्द उसे बर्बाद होने से बचा लेता है। मैंने बहुत बड़ी ठोकर खाई है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे देखती क्या है बेदखा, दिखने में मारी है फुटबॉल के माफक जाएगी लौटती हुई। माफ करना, माफ करना, नहीं नहीं दसा बंदा लगा नहीं। क्या क्या सरकार, सरकार क्या बात है बाबूलाल? माफ कीजिए सरकार, आज मैं बगैर इजाजत चला आया। बात असल ये है कि ये लड़की कहती है कि मैं बाबूलाल चूड़ी वाले की घरवाली हूँ, यानी कि मेरी, और कहती है कि ये औरत इसकी असली माँ नहीं है बल्कि कोई ऐसी उठाऊगी फालतू औरत है, इसलिए जजमेंट आप पर छोड़ा है। सच सच बता ये किसकी लड़की है, वरना पछताएगी। जल्दी बता वरना साहब का गुस्सा अगर बहुत गर्म हो जाएगी। सरकार ये लड़की कोई दूसरी नहीं है, ये लड़की आपकी बेटी है हंसा। हंसा? ओ, हंसा मेरी बेटी है। आप मेरे पिताजी हैं। हाँ मैं ही तेरा बाप हूँ। मैं तो ये समझता था बेटी कि मैं इस दुनिया में अपना घर बार और दौलत लुटाने के लिए ही पैदा हुआ, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि मेरी खोई हुई दौलत मुझे फिर से मिल गई। बाबूलाल अभी आया, खबरदार है जो अगर यहाँ से ही लिए तो। मैं तुम्हें कड़ी सजा देना चाहता हूँ, हाथ कड़ी पहनने के लिए हाथ बढ़ाओ। मगर हुजूर मेरा कसूर? कसूर? एक कसूर हो तो बताओ। हमारा सबसे बड़ा कसूर तो यह है कि तुमने मेरी मासूम बच्ची को इस मक्कार औरत के फंदे से बचाया। तो हुजूर ये तो इनाम के लायक काम हुआ ना, सदा के लायक नहीं। आप अपना जजमेंट हाथ बढ़ाओ। ओ, नहीं हुजूर मैं इस लायक नहीं, इनके लिए तो कोई दौलत वाला बड़ी शान वाला बड़े रुतबे वाला होना चाहिए। मैं बड़े रुतबे वाले से ज्यादा बड़ी कैरेक्टर वाले को पसंद करता हूँ। लो आज से तुम्ही इसके निगेबान। आपका हुक्म सब आंखों पर, इस मोटे के लिए क्या हुक्म है? इसे तुम पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। अभी पहुंचाता हूं। मैं इसका इंतजाम करता हूं। थैंक यू। साल माफी दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया? रंजना, रंजना। वाह रंजना वाह, तूने घर की लाज रखने के लिए सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं लुटा दी बल्कि आज अपने प्राण का भी बलिदान कर दिया। भगवान ये तेरा कैसा न्याय, बहू लेकर बेटी दे दी, लेकिन तू ऐसा न करता तो तुझे भगवान ही कौन समझता। आया वो तूफान बिखर के रह गया तिनका तिनका, लिया है तुझसे किस्मत ने ये बदला है किस दिन का। ये रंग बिरंगे पंख छोड़ दे।